मैं नंबर कम आए और सर ने बहुत सुनाई तो आप क्या करोगी? मम्मी क्या लग रहा है, बच्चों की हालत खराब है सबकी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस देखो आज का व्लॉग भाई देखो ऐसे स्टार्ट कर रहा था, मैंने कहा चलो कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते, तो ये घर में भाई ये पुराना चश्मा पड़ा भाई गंदा बहुत है पर भैया ना, तो मैंने सोचा चलो इसे पहन के स्टार्ट करते हैं। भाई इसको देख के आपको किस ब्लॉगर की याद आ रही है तो आप लोग भाई बता रहे ना ऐसे। ठीक है गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी देखो वहाँ पे बंकुड़ी आ चुका है। बंकुड़ी 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 बंको नट्टो। गाइस कोई अभी मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे घर में इज्जत जूते समान है, तो अभी मैं खुद ही चल के सबको पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। क्या है मम्मी आप दोनों ही थे। मम्मी मम्मी जी क्या चल रहा है घर में? मम्मी हमारे घर में दादा आ गए। मम्मी मम्मी घर में क्या चल रहा है? ये तो बुनाली है बुनाली। आप लोग गाइस प्लीज वो मत करना कि हम लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई मैंने आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहा था, तो भाई मैंने बंकू ने चश्मा दिया और मुझे एकदम से आइडिया आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी हम लोग भाई हर ब्लॉगर की हर जो होता है ना जो भी को बदलते नहीं है, जिन्होंने भी वो करी मेहनत करी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है तो उसकी रिस्पेक्ट ही करते हैं ना। तो भाई ऐसी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बस हम लोग ऐसे ऐसे एंटरटेन कर रहे थे आपको। तो हाँ गाइस बाकी गाइस बताना ऐसे रुको ऐसे बाल करने पड़ेंगे ना। हाँ गाइस अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा। अरे सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बिग फैन बिग फैन बिग फैन बिग फैन। नाम क्या है? नाम क्या है? अच्छा भाई बिग फैन बिग फैन बिग फैन बिग फैन। बाबू भैया है ना? बाबू भैया। चलो गाइस भाई गाइस आज के व्लॉग में आपको बताता हूँ क्या होना है। रुक सो गाइस आज है मेरा पीटीएम, वो भी 10th क्लास का यूटी टेस्ट हुआ था ना मेरा, तो उसका भाई पीटीएम है, तो भाई उसका भाई रिजल्ट भी आएगा। तो चलो गाइस देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। भाई मुझे तो ना थोड़ी थोड़ी वो भी है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा थोड़ा डर भी है। पर भाई देखो डरने से पर्सनली मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो भाई करना था वो मैंने एग्जाम में कर लिया है। अगर मैं तब अच्छे से डर लेता और पढ़ाई कर लेता तो और ज़्यादा नंबर आते। वैसे मैंने तो पढ़ाई करी है गाइस, ठीक ठाक पढ़ाई तो करी है मेरे, मुझे लग रहा है 60 प्लस आएंगे, 60% से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि गाइस मेरे इतने ही आते हैं भाई, 60% के आसपास ही रहते हैं। कभी 60 हो जाते हैं कभी 70 हो जाते हैं, तो इन्हीं के बीच में रहते हैं। चलो गाइस आज हम पीटीएम में चलेंगे। भाई भाई गाइस ऐसा बताना कि ऐसा चश्मा मैं बना लूँगी एक पर्सनली। हाँ नहीं वैसे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। अरे यार क्या सोचता है ये? मैं चलो छोड़ो मैं तभी तो गाइस मैं चश्मा वश्मा पहनता नहीं हूँ। भाई मेरी ना आँखें बहुत डैमेज है पर तब भी मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे लोग मुझे कमेंट में बहुत सताते हैं। भाई भाई मैंने ना कुछ नहीं करा था, एक ब्लॉग में मेरे भाई गाइस ऐसे बाल हो गए थे ऐसे करके कुछ सेकेंड्स के लिए, क्योंकि तभी मैं बाल ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, ऐसे बाल हो गए। उसमें 4-5 कमेंट आ गए, यू लुक लाइक सौरभ जोशी भैया, यू लुक लाइक ऐसे ऐसे कमेंट आ गए। तो मैं तो भाई परेशान हो गया, तब से भाई मैंने ऐसे बालों को ऐसे चिपकाना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँ गाइस, मेरे बाल ऐसे आ जाते हैं, इनमें गाइस तेल लगाओ तो गर्मी और लगती है, तेल लगा के चक्कर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे खुद ही ऐसे हो जाएंगे, फिर तो चिपक ही जाएंगे। तो गाइस देखो अभी 10:40 हो गए, और भाई मम्मी अभी तक लेट करा रही हैं, भाई मैं और नट्टू भाई वेट कर रहे हैं आ जाएं। तो भाई चलेंगे भाई गाइस, हम लोग जब वहाँ जाएंगे ना तो मोबाइल पे स्विच हो जाएंगे हमेशा की तरह। गाइस मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, आओ पधारो महारानी जी, पधार गई महाराज जी, पधार गई। आपने कितनी कोटिंग चढ़ाई है? मैं नंबर कम आए और सर ने बहुत सुनाई तो आप क्या करोगी? आज इस खुशी में गाजर का हलवा बनाएंगे। है मतलब मेरे बहुत कम आए नंबर? हाँ तो आए क्या करें, जिंदगी इम्पोर्टेंट है कि नंबर? गाइस मम्मी कैमरे में नहीं बोली वरना मेरा ऑफलाइन में ये होगा, ऑफलाइन में भैया मम्मी कह रहे हैं ना कि पापा देर करते हैं कि पापा सब लोग करते हैं भाई, भले ही सब लोग कहे कि नंबर से कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा कितने भी कहें पर फर्क तो पड़ता है भाई, ये तो बात है। पर मैं 60% ला के मम्मी पापा की इज्जत बचा दूंगा। ये लीजिए मैं एक मिनट रुको याद कर लूं। तो गाइस देखो अभी निकल पड़े हैं भाई, शोर बहुत हो रहा है, तो चलो भाई यहाँ से अब पकड़नी है ऑटो फिर चलेंगे। नमस्ते तो गाइस देखो अभी भाई स्कूल तो पहुंच चुके हैं, भाई यहाँ पे है हमारा स्कूल अंदर जाके, तो हाँ भाई यहाँ जाना है। देखते हैं गाइस हमने क्या गुल खिलाए हैं आज, हम भी देखते हैं क्या गुल खिलाए मैंने। चलो क्या अगर उनने कुछ भी कहा आप क्या कहोगे?
मम्मी बोलती नहीं। सही है यार मम्मी। गाइस तो मम्मी क्या लग रहा है? सही है ना? अच्छा है ना? पढ़े तो सही है, पढ़ लेते तो फिर तो मेरे हिसाब सही लग रहा। बस मैथ में गए, इंग्लिश में गए और साइंस में गए। भाई कोचिंग नहीं कुछ नहीं, बिना उसके यार इतनी टेंशन। चलो भाई अभी देखते हैं भाई सर क्या सुनाएंगे, बच्चों की हालत खराब है सबकी। पीछे देखो गाइस, उधर भी सेटअप चल रहा है। तो गाइस ये देखो मेरी कितनी हैंडसम फोटो है। सो जी तो गाइस देखो भाई यहाँ पे भाई रिजल्ट तो मिल चुका है भाई, गए घर पे दिखाऊंगा मैं मम्मी। देखेंगे गाइस ठीक ठाक आया, ठीक ठाक आया दिखाऊंगा। तो गाइस देखो अभी घर तो आ चुके हैं भाई, गाइस भाई रिजल्ट वगैरह सब कुछ ले भी आए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितने आए हैं। तो भाई ठीक है आए हैं, रुको। हाँ तो गाइस मेरे ना मैंने जो बताया था वैसे ही नंबर आए हैं, मतलब परसेंटेज आए हैं भाई। गाइस मैंने आईटी में टॉप मारा है, तो वो मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप फोटो देखो, मैंने आईटी में टॉप मारा है। तो गाइस देख लिया आपने फोटो? अरे क्या मम्मी दिखा रही हैं उल्टा सीधे चीज़ें। तो हाँ गाइस बाकी गाइस भाई आईटी में तो मेरे बहुत ही अच्छे आए, फुल में से फुल आए, मतलब फुल में 20 में से 20 भी आए, वेरी गुड में मिला। पर ऐसा सिर्फ आईटी में ही हुआ मेरे संग, बाकी में एवरेज आए हैं। मतलब 20 का पेपर था तो मतलब वही 13-14, 13-14, 10-13-14। यहाँ पे गाइस परसेंटेज देख लो भाई, क्योंकि गाइस मैं इस चीज़ में वो कुछ नहीं करता भाई, जो है सो है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। बहुत सारे लोग क्या होते हैं छुपाते हैं, पर मैं छुपाता नहीं हूँ। जो होता है मैंने पिछले हर पीटी में आपको बता दिया जैसा गया है, तो भाई इस चीज़ को मैं छुपाता नहीं हूँ। क्या करना भाई, है ना लाइफ में ना जितना भाई मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से ठीक ठाक आए, क्योंकि मैंने ना अपनी तरफ से 100% दिया। और बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लास में बहुत प्रॉब्लम थी, कभी ना इंग्लिश के टीचर नहीं आ रहे, कभी एसएसटी के टीचर नहीं आ रहे, तब भी गाइस हमने कर लिया है। और 63.33% ठीक ही है, इतनी कम भी नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर थोड़ी तो कम है गाइस। मुझे ना 70% के आसपास लानी चाहिए थी। आगे और मेहनत करेंगे गाइस, अभी तो 10th के यूटी टेस्ट हैं, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उनमें और टक्कर लेंगे, मतलब और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे 70% तक टच कर ही जाएं। भाई बंकू ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि भाई आप बंकू ने अपने आप को कुछ बोल दिया था। अच्छा इससे भी अच्छा हर चले क्योंकि तुम छुई हुई से भी ज्यादा बेकार हो। मुझे उठा रहे हैं, मुझे क्यों मार रहे हैं बंकू? देखा झुकी कर रहे हैं। तो बाकी गाइस अभी देखो अभी हो चुकी है रात, तो रात में भाई डिनर कर रहे हैं ना, तो भाई डिनर में आज भाई ना बहुत पार्टीदार चीजें बनी है भाई। देखो आज क्या क्या बना है, देखो आलू की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, हलवा बना है, चटनी बनी है और भाई चावल बने हैं भाई। आज तो भाई पार्टी हो गई। चलो भाई खाते हैं, मस्त पेट पूजा हो जाएगी आज, फिर करेंगे एडिटिंग है ना। तो चलो भाई बाय बाय। सो गाइस देखो अभी हो चुकी है एडिटिंग भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट है ना भाई। गाइस सर घर में देखो भाई सब लोग सो चुके हैं, पंकू यहाँ पे सो रहा है, मम्मी और नट्टू पंकू सब लोग वहाँ पे सो रहे हैं। चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलेंगे ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून। चलो गाइस मैं तब तक यहाँ पे चढ़ के वेट करता हूँ। बैठ